कि जाने दे उसके मम्मी पापा ने उसको शिक्षा नहीं दी। तो ऐसा सोशल रिफॉर्म की हमें भी जरूरत है भारत में, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि वो जो चीज़ें जो ब्राज़ील में बहुत कॉमन है और इंडिया में वो कॉमन नहीं है और अच्छा नहीं माना जाएगा उन चीज़ों को भारत में, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेगी सोसाइटी, एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, लेकिन वो चीज़ें ब्राज़ील में बहुत कॉमन है, थिंग्स दैट आर कॉमन इन ब्राज़ील बट नॉट इन इंडिया। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये जो मैं वीडियोस लेके आता हूँ इंडिया वर्सेस ब्राज़ील, है ना, जो चीज़ें वहाँ होती हैं यहाँ नहीं होती या यहाँ होती हैं वहाँ नहीं होती, ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस होती है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ब्राज़ील कैसा है ना, क्या डिफरेंसेस हैं इंडिया ब्राज़ील में। तो लगे रहिए लास्ट तक, बंद मत कीजिएगा, बहुत फास्ट हम लोग इसको करेंगे बात आज डिस्कशन। तो दोस्तों लड़का और लड़की जब साथ में घूमते हैं तो ये बहुत नॉर्मल है। लड़का लड़की का क्या मतलब हुआ, मतलब फ्रेंड्स। मैं और मेरी फ्रेंड थी अलिनी जी, उनके साथ हम घूमने गए थे, 3 बार हम लोग घूमने गए थे। एक बार तो वो रैली थी राष्ट्रपति की, है ना, वो उनके साथ जो वीडियोस मैंने बनाया उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी ब्राज़ीलियन फ्रेंड है अलिनी, उनके साथ घूमने गए थे, वो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देख लेना। तो जब हम उनके साथ घूमने गए थे तो वो बहुत कॉमन है, मतलब एक लड़का लड़की फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो दोनों घूमने जा सकते हैं, जैसे होता है ना दोस्त लोग जा रहे हैं लौंडे लोग, है ना, लड़के लड़के घूमने जाते हैं ना, ग्रुप होता है बॉयज़ का। तो ऐसे मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाता हूँ, उसी तरह मैं फीमेल अगर मेरी फ्रेंड होगी तो उसके भी साथ में घूमने जा सकता हूँ, फिर मैटर नहीं करता, मतलब वो कम एज के भी होंगे, टीनेजर्स होंगे, है ना, हमारी उम्र के होंगे, ज़्यादा एज के भी होंगे। तो अगर लड़का लड़की मेल और फीमेल फ्रेंड्स घूमने जाते हैं तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। इंडिया में थोड़ा सा वो वैसा हो जाता है कि भाई लड़का लड़की जा रहे हैं, मतलब कुछ तो है इन दोनों के बीच में, कुछ तो चल रहा है, हस्बैंड वाइफ होंगे, नहीं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, यही जाता है सबसे पहले, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो फिर लड़कियां भारत में कई बार अवॉइड करती हैं कि फ्रेंडशिप है तो जैसे मान लो स्कूल में होगी कॉलेज में होगी तो वहीं तक सीमित है, ऑफिशियल होगी तो वहीं तक सीमित है, वो बाहर उसको नहीं लेते लेके जाते, है ना। साथ में वो लोग फिर जैसे कॉलेज की कैंटीन में भी फिर ग्रुप जाएगा तो साथ में होंगे, लड़का लड़की साथ में अवॉइड करेंगे, है ना, कि भाई कोई कुछ बोलेगा कोई सोचेगा कुछ फिर वो आता है कि लड़की के ऊपर आएगा कि अरे ये तो कल ना एक लड़के साथ थी कैंटीन में, अरे फिर ये ना दूसरे दिन और किसी के साथ थी, ये तो ऐसे ही है। समझ गए आप, हमारे यहाँ अगर लड़की कोई फ्रेंड के साथ भी घूम रही है तो उसको कुछ का कुछ गलत मान सकते हैं, और ये गलत चीज़ है, गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप ऑफिस में हो या कॉलेज में हो स्कूल में हो तो इट्स फाइन, टोटली फाइन, है ना, कोएड एजुकेशन होता है ना हमारे यहाँ, हमारे ऐसा थोड़ी होता है गर्ल्स स्कूल है या बॉयज स्कूल है, कोएड एजुकेशन होता है, ऑफिस में सब मिलके काम करते हैं तो दोस्त जाएं। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, सोसाइटी में लोग ऐसे नहीं, फिर वो कहेंगे अरे ये तो कल राजा के साथ थी, ये तो आज इसके साथ घूम रही है, मेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा, वो लड़के के ऊपर कुछ नहीं आएगा, वो लड़की के ऊपर बात की जाएगी। तो ये सब चीज़ें ब्राज़ील में नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ ब्राज़ील की मुझे अच्छी लगी, और ऐसे ही होता है कि बस ऑफिस में भी अगर कुछ होगा कि मान लो मैं मान लो ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई लड़की घूम रही है, मान लो घूम रही इन द सेंस लंच पे जा रहे हैं साथ में वहीं, है ना, या खाने जा रहे हैं कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तो उनको लगे अरे ये तो इन दोनों का तो कुछ चल रहा है ये जो चीज़ है ये इंडिया में होती है, सोसाइटी अगर देखती है एक लड़का और लड़की को तो आइदर या तो वो डेटिंग कर रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, ऐसा हो जाता है थिंकिंग। इसीलिए जो लड़कियां हैं वो बहुत सोच समझ के डर डर के चलती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जब तक वो सच में डेटिंग में नहीं होंगी या हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे तब तक फिर वो लोग ऐसे किसी के भी साथ घूमने भी नहीं जाएंगी, ऐसा हो जाता है। अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं लेकिन
होता है अभी भी वैसे ही है हमारी सोसाइटी, वहाँ पे नहीं है। आप, आपकी फीमेल फ्रेंड होगी, आप घूमने जा सकते हो, डिनर पे जा सकते हो, लंच पे जा सकते हो, वहाँ तो बियर पीने जाते हैं। लड़की होगी, लड़का होगी, फ्रेंड्स हैं, बियर पीने जा रहे हैं, बढ़िया, ठीक है, घर पे इनवाइट कर रहे हैं, ये सब बहुत नॉर्मल है वहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ है जो ब्राज़ील में बहुत कॉमन है और एक्सेप्टेबल है, और कोई सोचता नहीं, कोई टेंशन नहीं लेता। यहाँ पे वो चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती हैं। दूसरी चीज़, अब क्या होता है कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं जैसे हमारे वर्क प्लेस पे या कॉलेज स्कूल में, है ना, या इन जनरल, तो ऐसा होता है कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा होता है ना, कि भाई मैं उससे बात नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करता, है ना, बात नहीं करते, कोई ग्रुप हो जाएगा, उसमें से कुछ इशू होगा तो एक बंदा अलग हो जाएगा, उससे कोई बात नहीं कर रहा, वो कुछ पूछेगा तो उसको इग्नोर कर देंगे। सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कभी कभी, जैसे कॉलेज में थे तो क्या होता है कि भाई मैं कभी, मान लो मैं अपने फ्रेंड से कुछ पूछूं, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन है इंडिया में। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे मैं किसी को कुछ कहूं और वो मुझे जवाब ना दे, इग्नोर कर दे, तो उसमें क्या होगा, कहेंगे कि यार ये मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता बात समझे आप, उस बंदे से कोई बात नहीं कर रहा है, उसको इग्नोर करते हैं सब, उसकी कोई औकात नहीं है। ये ऐसी मानसिकता भारत में है, भारत के समाज में ऐसी मानसिकता है कि भाई उसको से कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ वहाँ नहीं है, ठीक है। अगर ब्राज़ील में, अगर अगर मैं किसी से बात करूँ, अगर मैं किसी से कुछ पूछूं और वो मुझे इग्नोर कर देगा, तो वो इल मैनर्ड कहलाएगा, कि कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और आप इग्नोर कर रहे हो, आप इल मैनर्ड हो, इल मैनर्ड हो आप, समझ गए, आप में मैनर्स नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं। तो ऐसा हुआ है, मैंने देखा है ब्राज़ील में। एक बार क्या हुआ था, ये जो बच्चे लोग हैं ना, बच्चे लोग मस्ती करते थे, मैं लाइव करता था, तो बच्चे लोग कई बार मस्ती करने लगते थे, कुछ कुछ पीछे से आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ आवाज़ कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता, ऐसे मैं लाइव कर रहा था, वीडियो बना रहा था शायद, हाँ वीडियो बनाता था मैं बैठ के, तो वीडियो बना रहा था, तो कोई तो साइकिल पे बच्चा घूम रहा था वहाँ, तो वो कुछ कुछ बोलने लगा, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मुझे ये फीलिंग आई कि ये बच्चा जो है कुछ तो मस्ती कर रहा है, मस्ती करेगा, परेशान करेगा कुछ ऐसे ही, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। क्योंकि देखो बच्चे बच्चे होते हैं, हर जगह मिस्चीवियस होते हैं ना, वो हर जगह होता है, इंडिया में भी होगा, वहाँ भी होगा, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो जब मैंने उसको इग्नोर किया ना, तो उसने अपने फ्रेंड से पता है क्या बोला, कि जाने दे जाने दे, उसके मम्मी पापा ने उसको शिक्षा नहीं दी, मेरे माँ बाप ने मुझे शिक्षा नहीं दी। ये था, मैं इल मैनर्ड था, वो मुझसे बात कर रहा था, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। तो वहाँ पे ये होता है कि कोई आपको कुछ कह रहा है, गुड मॉर्निंग कर रहा है, हाय कर रहा है, आपने जवाब नहीं दिया, तो आप इल मैनर्ड हो, आपके माता पिता ने आपको शिक्षा नहीं दी। वहाँ माता पिता शिक्षा देते हैं कैसे बिहेव करना है, जो हमारे यहाँ ज़्यादा करके बहुत कम है, मैंने तो नहीं देखा, है ना, ऐसी शिक्षा की कमी रहती है, बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दी जाती है कैसे बिहेव करना है ना, कोई कुछ बोले, कोई बात करे, तो ठीक है, आप में डिफरेंसेस होंगे, कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन आप जवाब दोगे, बात करोगे, तो ये चीज़ होती है वहाँ पे, शिक्षा दी जाती है, और फिर वैसे ही सब लोग बिहेव करते हैं, बच्चे से बड़े तक। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे अलग है कि वो इससे बात नहीं कर रहा, उसकी कोई औकात नहीं है, वहाँ पे अगर आप किसी का जवाब नहीं दे रहे, किसी को इग्नोर कर रहे हो, तो आप इल मैनर्ड हो। और वो ब्राज़ील वाली बात बिल्कुल सही है, 101%, ठीक है। तो आप कोई नहीं होते किसी की औकात डिसाइड करने वाले बात समझे आप, हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं, एक दिन मर के हमको ऊपर ही जाना है ना, समझ गए बात को आप, सब मरने वाले हैं, कोई कितने भी बड़ी BMW ले ले, बहुत बड़ा आप समझ गए, आप पूरा शहर खरीद ले कोई, उसको भी मरना है, वो कोई अमर नहीं हो जाएगा, इमोर्टल। तो ये सब चीज़ें होती है, तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छी है, उनके समाज में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बच्चे फिर वैसे ही बिहेव करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो
तो ऐसा सोशल रिफॉर्म की हमें भी ज़रूरत है भारत में। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, ब्राज़ील की जो भी मैं आपको बात बताता हूँ वो पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ, वहाँ से मैं पॉजिटिव चीज़ें लेके आया हूँ अपने साथ। मैं नेगेटिव नहीं लाया वहाँ, जैसे शादी के पहले चाइल्ड हो जाता है, मैंने कहा करो ऐसा, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं करना आपको ऐसा, समझ गए। वहाँ ड्रग्स लेते हैं, वहाँ क्राइम है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी खराब जो अच्छी नहीं है, है ना। तो वो नेगेटिव चीज़ों को हमने पूरा इग्नोर कर दिया, जो उनके समाज में अच्छी चीज़ें हैं, जो उनके कल्चर में, वो हम उनसे लेंगे और हम अपने आप को सुधारेंगे, हम अपने समाज को सुधारने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी तीसरी चीज़ पे आते हैं हम। ब्राज़ील में बहुत कॉमन है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो बहुत सारे भाई लोग जिनके कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई राजा भी मेरी गर्लफ्रेंड है ना, ब्राज़ील में बॉयफ्रेंड है, ऐसे आते हैं। तो आप एक अपने से बड़ी उम्र की महिला को डेट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, टोटली कॉमन है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना आपके कैरेक्टर पे सवाल उठेगा ना उनके पे सवाल उठेगा, प्यार प्यार होता है ना, ये ऐसी थिंकिंग है वहाँ। ये चीज़ यहाँ बहुत कॉमन नहीं है। कभी मैं थोड़े बहुत बॉलीवुड में केसेस देखे हमने, है ना, कि हीरोइन है ना बड़ी है, लड़की बड़ी है, वो एक्टर छोटा है, उससे शादी हो गई, ऐसे बॉलीवुड में केसेस देखे हैं। और थोड़े बहुत और होंगे होंगे ऐसे और केसेस, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ नहीं होता, वो होता है, होता होगा, कम केसेस होंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करती सोसाइटी। अभी जैसे आप डेट कर सकते हो, मैं 31 हूँ, क्या मैं 40 या 50 साल की महिला को डेट कर सकता हूँ, समझ गए। यहाँ 40 के प्लस ही वो हम आंटी बोलने लगते हैं, समझे आप, 40 के प्लस आप आंटी बोलने लगते हो, 50, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ कौन है आंटी, कौन है वहाँ, वहाँ पे अगर आप किसी महिला को आंटी बोल दोगे ना 40 50 साल की, तो उसको बुरा लग जाएगा, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, आप समझ रहे हो। आप 60 तक, मतलब वो समझ लो कि वो सब लोग जवान ही हैं, पुरुष और महिला, 60 साल तक, उसके बाद वो आता है कि आंटी है, अंकल है, समझ रहे हो आप। तो ये चीज होती है। तो वहां पे अगर मैं किसी बड़ी उम्र की महिला को डेट करूं जो 10 20 साल बड़ी हो, 25 साल बड़ी हो, तो वहां पे वो बिल्कुल नॉर्मल है और बहुत कॉमन है। बहुत सारे केसेस होते हैं, मैंने एक कपल को भी देखा था, ब्राजीलियन ही लोग थे, वो फॉरेनर वाला चक्कर नहीं था। तो वो जो मैडम थी वो 40 के ऊपर थी, और वो जो साहब थे है ना वो भी ऐसे ही थे, मेरे ख्याल से वो शायद 35 होगा, वो 45 होगी, ऐसे ही था, 10 1 साल का डिफरेंस था। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है वहाँ के कल्चर में, और यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंडिया में भी मैंने केस देखे हैं, न्यूज़ व्यूज़ में आते रहते हैं कि कोई जो है बड़ी उम्र की महिला थी, वो किसी छोटी उम्र के साथ उसने डेट कर ली, शादी कर ली, भाग गए, ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं किसी बड़ी उम्र की महिला को डेट करूंगा तो सब उल्टी सीधे फिर बातें करने लगे, मेरे कैरेक्टर पे भी, उसके पे भी, है ना। तो ये सब चीज़ें होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैं लेके आया था, जो चीज़ें ब्राज़ील में बहुत कॉमन है और इंडिया में कॉमन नहीं है, इंडिया में उनको नहीं देखा जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आऊँगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। कुछ आपको अगर कुछ टॉपिक होते हैं किसी चीज़ पे आप जानना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका क्या सोच है ना ब्राज़ील के कल्चर के बारे में, वो भी बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।